आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। तो सबसे पहले हम स्फेरिकल सेल बना लेंगे, ठीक है। ये स्फेरिकल सेल एक हमने बना ली, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, इसका ये सेंटर जो है हम लोगों ने मान लिया है कि ये सेंटर से इसकी डिस्टेंस आर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक हम लोग मानेंगे एक इस पे गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस और इससे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी, ठीक है। गॉसियन सरफेस से इस चीज इसकी डिस्टेंस आर है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको हम मान लेते हैं कि एक्युमुलेट होकर पूरा कहां पर है, सेंटर पर चार्ज है क्यों, ठीक है। और ये डिस्टेंस आर है, ठीक है, सारा चार्ज सेंटर पे मान लेंगे, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो बाहर आती हुई निकलेंगी तो वो लगेंगे कि सेंटर से निकल रही है, ठीक है। तो फाई ई का फार्मूला क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा यहाँ पर वन ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ई को हम बाहर, ये दोनों फार्मूले हम एक साथ रख लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई को बाहर कर दिया, ई को बाहर कर दिया, सरफेस इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो डीएस इस वाल इसकी जो रेडियस है वो जो गॉसियन सरफेस हमने बनाया है इसकी रेडियस कितनी है, आर है, आर है, ठीक है। तो यहां से इसकी डिस्टेंस आर है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस का इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, 4πr², ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन करने के बाद, डीएस ई को हम लोग बाहर कर देंगे और डीएस का इंटीग्रेशन करेंगे। जब डीएस ये सरफेस है, स्मॉल सरफेस ले लिया, यहां पर स्मॉल सरफेस हम लोगों ने ले लिया डीएस, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकल रहे हैं वो ई है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो जीरो बनता है, ठीक है। तो इसका जो सरफेस का ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका इंटीग्रेशन जैसे ही हमने किया तो सरफेस हमको पता है कितना होता है स्फीयर का, 4πr², और ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4πr एप्सिलॉन नॉट, 4π को अलग कर लिया, r² को अलग कर लिया, और ये q/r², ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फार्मूला निकल आया। जब जो है आउटर साइड पर ये फार्मूला कब यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटर साइड, बाहर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस के बाहर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फार्मूला क्या होता है, इक्वल टू 1/4πε₀ q/r², ठीक है। ये होता है। अब किसी भी सरफेस के अंदर पता करना है, अंदर कितनी जो है, तो स्फेरिकल शेल इन इनर साइड, इनर साइड, तो इनर साइड सबसे पहले हम स्फीयर बना लेंगे, ठीक है। इसको यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया। इसके दो तरीके हैं, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सेंटर की तरफ आएगी, इस चार्ज की वजह से जो आएगी वो सेंटर की तरफ आएगी, ठीक है।
यहां से सेंटर की तरफ आएगी, यहां से सेंटर की तरफ आएगी, यहां से सेंटर की तरफ आएगी, यहां से सेंटर की तरफ आएगी। तो देखिए दोनों की एक दूसरे की डायरेक्शन सबकी अपोजिट है, तो अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होंगी वो आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगी, रद्द कर देंगे, जो है खत्म कर देंगे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो आपस में एक दूसरे को खत्म कर देंगे, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनर साइड में वो क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, एक तो ये डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं। दूसरा तरीका इसका क्या है कि इसके अंदर हम गॉसियन सरफेस माने, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस की रेडियस क्या है, आर। ठीक, चलिए अब गॉसियन सरफेस मान लिया तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ई डीएस। अब यहां से अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है, और इसका हम सरफेस मान लेते हैं कि ये डीएस है, ठीक है, ये बाहर की तरफ डीएस, ठीक है, अब ये हम लोगों ने मान लिया, ठीक है। मगर ये जब फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यों क्या होता है कि जो है जो हमने गॉसियन सरफेस माना है उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना है, तो फाई ई को दोनों बराबर है इक्वेशन, तो दोनों का हम क्या लिख लेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसको हम इधर ई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। अच्छा सर, जो हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है उसके अंदर चार्ज कितना है, जीरो है, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये सरफेस इंटीग्रेशन जो डी एस है इसको भी नीचे कर देंगे, ई इज इक्वल टू जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रेशन डी एस। कि जीरो किसी, हाँ, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें हमेशा क्या आता है, जीरो आता है, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो किसी भी स्फेरिकल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसी वजह से अगर बिजली गिरे और हम लोग किसी भी कोई भी गोल चीज में, टीन शेड में हो या ऐसी जगह पर हो, तो वहां पर हमको नुकसान कम से कम होगा, ठीक है, क्योंकि जो, क्योंकि जब उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज गिरेगा तो वो जो टीन शेड होगी वो यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगी, और यूनिफॉर्मली चार्ज जब होगी तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। उसकी वजह से ना हम लोगों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगी। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई क्यू, जब ई जीरो कर देंगे, ई को जीरो कर दिया तो हमारे ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इस वजह से फोर्स नहीं लगेगी। तो अगर हम टीन शेड के अंदर होंगे, अगर बिजली गिर रही हो, तो हम लोगों को ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो पूरी टीन शेड से बनी हो, गोल चीजों से बनी हो, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे ऊपर फोर्स लगने वाला होगा वो जीरो हो जाएगा।